हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेरोके के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बने। तो बात करते हैं इंडिया का बिग फेस्टिवल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, क्योंकि आईपीएल का इंतजार साल भर से हर एक फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो बात करते हैं टूर्नामेंट का पांचवें मैच की, जो कि खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटन्स के बीच में। इन दोनों की जब जब टक्कर होती है तो मैदान में तहलका मच जाता है। यह मैच आपको 24 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन के अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अब आगे बात करते चलते हैं, इनका वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 53% रहेगा और टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं विनिंग परसेंट देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फास्ट का यहाँ पे 61% जीतने का चांस है, वहीं बॉलिंग फास्ट का यहाँ पे 39% जीतने का चांस है। वहीं बात करें इनका एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 172 है, वहीं पर सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 157 है। अब अगर बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं, जहाँ पर टोटल मैच दोनों के बीच में 4 खेल के आए, जिसमें से मुंबई 2 मैच जीत के आ रही है, वहीं पर गुजरात भी 2 मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते हैं पहली टीम यानी मुंबई इंडियंस का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। टीम ने इस बार हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया, टीम का टारगेट होगा 6वें टाइटल पर। ओपनिंग में बात करेंगे जहां पे ईशान किशन के साथ रोहित शर्मा होंगे, वहीं पे मिडिल ऑर्डर में जहां पे तिलक वर्मा, टिम डेविड एंड दीवार ब्रेविज जो कि खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जहां पे सूर्य कुमार यादव पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं, इसको लेकर उनके खेलने पर सस्पेंस है। वहीं फिनिशिंग टच के लिए जहां पे कैप्टन हार्दिक पांड्या, रोमारियो सेफर्ट जो कि शामिल है, जहां पे निहाल वडेरा, मोहम्मद नबी को भी मौका मिल सकता है। अगर बॉलिंग की बात किया जाए जहां पे जसप्रीत बुमराह जो कि लीड करेंगे, साउथ अफ्रीकी पेसर जो कि जयाल कोहली जी और श्रीलंका के नुवन तुषारा जो पहली बार टीम में खेलेंगे, जहां पे लुक वॉट को रिप्लेस करके तौर पर टीम में जोड़ा गया है। वहीं पर दिलशान मधुशंकर की जगह साउथ अफ्रीका के अंडर 19 बॉलर क्वेन मफका जो कि टीम में लाई गई, वहीं स्पिन बॉलिंग में जहां पे एक्सपीरियंस पीयूष चावला भी है। अब बात करते हैं मुंबई का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पर रोहित शर्मा है, ईशान किशन है, तिलक वर्मा है, टिम डेविड है, दीवार ब्रेविस है, हार्दिक पांड्या है, रोमारियो सेफर्ट है, निहाल वडेरा, पीयूष चावला, जयाल कोटजी है, जसप्रीत बुमराह। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जहाँ पर रोहित शर्मा है, ईशान के साथ है, जसप्रीत बुमराह। अगर बात करते हैं दूसरी टीम यानी गुजरात टाइटन्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। गुजरात इस बार नए कप्तान के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। भारतीय दिग्गज जहाँ पे शुभम गिल टीम की कमान संभाल रहे हैं, शुभम गिल और रिद्धिमान शाह टीम के लिए ओपन करेंगे। नंबर 3 पर जहाँ पे एक्सपीरियंस केन विलियमसन खेलेंगे, वहीं पर मिडिल ऑर्डर में जहाँ पे साई सुदर्शन, शाहरुख खान है, डेविड मिलर इस बैटिंग लाइनअप के एक्स फैक्टर है। जहाँ पे ऑलराउंडर में आपको राहुल तिवतिया, विजय शंकर और अफगानिस्तान के राशिद खान देखने को मिलेंगे। वहीं अगर बॉलिंग में बात करें जहाँ स्पेशल जॉनसन टीम में न्यू प्लेयर है, इंडियन बॉलर्स उमेश यादव और मोहित शर्मा टीम के लिए फायदेमंद होंगे। वहीं पे आयरलैंड के जॉस लिटिल जो कि पेस अटैक को लीड करेंगे, जहां पे कार्तिक त्यागी भी प्लेइंग 11 में हो सकते हैं। वहीं पे नूर अहमद एंड साई किशोर स्पिन डिपार्टमेंट को लीड करेंगे, जहां पे इंजर्ड मोहम्मद शमी की जगह संदीप वॉरियर टीम में शामिल हुए हैं। अब बात करते हैं गुजरात का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे शुभम गिल है, रिद्धिमान शाह है, केन विलियमसन है, साई सुदर्शन, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, विजय शंकर, राशिद खान है, स्पेंसर जॉनसन, मोहित शर्मा, उमेश यादव है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जहां पे शुभम गिल है, केन विलियमसन है, डेविड मिलर है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते चलते हैं प्रिडिक्शन और कंक्लूजन की ओर। दोनों टीम न्यू कैप्टन के साथ उतर रही है मैदान में। स्क्वाड को देखो तो यहाँ पे गुजरात थोड़ा सा पीछे है, मुंबई के पास एक मजबूत स्क्वाड है और टीम को स्ट्रेंथ और कंसिस्टेंसी को देखते हुए हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच में यहाँ पे मुंबई इंडियंस होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बन रहे, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।